इसराइल और हमास युद्ध के बीच लाल सागर में हूती कहर का दूसरा नाम बन गया है, जिसे इसराइल और अमेरिका के जहाज थर थर कांप रहे हैं। लाल सागर में हूती ने अभी तक 70 से ज्यादा हमले किए हैं और इन हमलों में उसने 60 से ज्यादा जहाजों को निशाना बनाया। इन हमलों से अमेरिका की नौसेना भी अछूती नहीं है, यहां तक कि अमेरिकी ड्रोन MQ-9 रीपर को भी हूती ने आसमान में परिंदे की तरह गिरा दिया है। और अब हूती ने एक बार फिर से अमेरिका को एक बहुत बड़ी चोट दी है। दरअसल हूती का कहना है कि उसने सादा प्रांत में जासूसी के लिए मंडरा रहे अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। बड़ी बात यह है कि पिछले 72 घंटों में यह दूसरा ड्रोन है जिसे हूती ने गिरा दिया। इससे पहले पिछले हफ्ते हूती ने मारे प्रांत में अमेरिका के एक MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया था। इस तरह से 7 अक्टूबर 2023 से अब तक हूती अमेरिका के 9 MQ-9 ड्रोन को मार गिरा चुका है। वहीं अब हालिया हमले को लेकर भी हूती का बयान आ गया है। इस हमले को लेकर हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहा सारी ने भी पुष्टि की है। في إسقاط طائرة أمريكية النوع MQ-9 وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية تجسسية وقتالية في أجواء محافظة صعدة وتعد هذه الطائرة هي الثانية التي تنجح دفاعاتنا الجوية في إسقاطها خلال 72 ساعة وهي الطائرة التاسعة التي يتم إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس تشيد القوات المسلحة اليمنية بالعملية الفدائية للشهيد المجاهد ماهر الجازي والذي قرر الانتصار لدماء الشهداء في غزة بالطريقة المناسبة إن القوات المسلحة اليمنية تدعو كافة أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى تأدية واجباتهم الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يتعرض منذ ما يقارب العام للإبادة الجماعية بدعم امريكي وبريطاني। इन सबके बीच सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के लिए एक और MQ-9 रीपर ड्रोन का जाना बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना इस ड्रोन के जरिए चरमपंथियों पर हमला करने के साथ ही उनकी निगरानी करने का काम करती है। और तो और ये ड्रोन अपने आप में बाहुबली के नाम से जाना जाता है। MQ-9 रीपर ड्रोन 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। यह हवा में 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इस एक ड्रोन की कीमत 3.2 लाख अमेरिकी डॉलर है। अमेरिकी सेना कई वर्षों से यमन के आसमान में इस ड्रोन से खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का काम करती है। यहां तक कि 2014 में यमन में हुए गृह युद्ध के दौरान भी इस ड्रोन ने अहम भूमिका निभाई थी। और इससे भी बड़ी बात यह है कि MQ-9 ड्रोन के झटके के बाद अमेरिका तिलमिलाया हुआ है, जिसका बदला लेने के लिए अमेरिका की अगुवाई में यमन के कई प्रांतों में हवाई हमले भी हुए हैं। हालांकि अमेरिकी सेना ने इस पर खुलकर कुछ नहीं बोला, लेकिन यमन के अल मसीरा न्यूज चैनल ने जरूर कहा है कि यमन की राजधानी सना के पास दक्षिण में IBB के पास कई हवाई हमले हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में हूती के कई ड्रोन और सपोर्ट व्हीकल तबाह हो चुके हैं, और इन हमलों से पहले हूती ने लाल सागर में अमेरिका को जोरदार झटका दिया था। हूती ने दो ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया था, जिन पर सऊदी का अमजाद और पनामा का झंडा लगा था। इस जहाज की पहचान लगून के रूप में हुई थी। हालांकि लगून पर हमले के बाद हूती ने कबूली थी, लेकिन सऊदी झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद से वो मुकर गया था। अल्लाह हू अकबर,